जैसे कि आप जानते हैं कि आज पोलिंग डे था 13 मई, और श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोटिंग डे था। और आपने देखा कि दैट अभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दैट आज की जो पोलिंग रही बहुत ही पीसफुल रही, और इसमें बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन रही सारे लोगों की। और जिस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया गया सारे हमारे ERO's ने, उनके अमले ने, और जिस तरीके से इसमें वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा ही फेस्टिव माहौल था पोलिंग स्टेशंस में। आज आपको पता है कि दैट बहुत सारे लोग हमारे साथ थे। आज हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया, और उसमें हमने देखा कि दैट कैसे लोग बढ़ चढ़ के पूरे फैमिलीज़ के साथ, इनफैक्ट बच्चे भी देखने को मिले कि पोलिंग स्टेशन में पूरे खेल रहे हैं उनके कंपाउंड में, और एक बड़ा अच्छा माहौल था, और मौसम ने भी साथ दिया, और इसकी इन सब चीज़ों की वजह से आज हमने देखा कि दैट बहुत सारे चीज़ें हिस्टोरिक होगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो इस वक्त फिगर है वो टेंटेटिव है, जो कि 6 बजे की है। उसके बाद जो एंड ऑफ पोल है उसमें कुछ फिगर की और भी बढ़ती है, जैसे कि आपको CEO साहब ने बताया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो फिगर है वो 36% है वोटिंग हुई है, एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज सिंस 1989। और अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसमें कि 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जो मेरे पास डेटा है वो टेंटेटिव फिगर जो है वो 25% का वोटिंग हुआ है श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में। दिस इट्सेल्फ इज़ एन बिग चेंज एंड इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस कि दैट इतनी अच्छी वोटिंग हुई है, और इसका जो क्रेडिट है उस सब वोटर्स को जाता है। और हमने पूरी कोशिश की वोटर्स तक की बात पहुँचाने की, वोटिंग की अहमियत को बताने की अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ के साथ, और जिस तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, और उस यही वजह है कि हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गई है। सो 25% श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में, ये ऑलमोस्ट 3 times है, मोर देन 3 times है जो कि पोलिंग परसेंटेज 2019 में रही है। अगर आप 2019 की बात करें, जो मेरे पास फिगर्स है वो 7.89% टर्नआउट था इन 2019, एंड इन 2017 बाई पोल इट वॉज 3.84%। तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, इट्स मोर देन 3 times, और इसका सारा क्रेडिट मैंने आपको पहले भी कहा है, इट गोज़ टू द वोटर्स, इट गोज़ टू द अवाम जो कि आज निकली वोट करने के लिए कतार में, और सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जिन्होंने हमारी मदद की इसको पीसफुल और सिक्योर बनाने में, और हमारे सारे पोलिंग स्टाफ जो जिन्होंने इस चीज़ को अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाया। और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि लोवेस्ट जो EVM रिप्लेसमेंट है वो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया है। फ्रॉम अगर आप बाकी दो फेजेस की अगर आप बाकी दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें जहाँ पर पोलिंग हुई है, इट्स लीस्ट रिप्लेसमेंट, और इससे पता चलता है कि हमारे पोलिंग स्टाफ ने और जो इंजीनियर्स ने बेहतरीन तरीके से काम किया, और ताकि हम लोग इसकी वजह से हम लोगों ने बड़ा ही स्मूथ और एफिशिएंटली हम लोग ये इलेक्शन जो आज पोलिंग डे वो अपना पोल कंप्लीट कर पाए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का डेटा दे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये टेंटेटिव है। इसमें 19 हज़रतपल 28%, खानियार 24%, हबाकदल 14%, लाल चौक 27%, छानापुर 22%, जड़ीबल 29%, ईदगाह 26%, और सेंट्रल शालटेंग 26%। सो ये जो टेंटेटिव फिगर है, क्योंकि एंड ऑफ पोल है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी नहीं है अभी, जो कि अभी लास्ट क्योंकि आपको पता है कि इधर जब पोलिंग होती है 6 बजे जो है एंड होता है, 6 बजे के बाद जो भी वोटर आते हैं 6 बजे से पहले गेट बंद होता है, और कंपाउंड में जितने भी और क्यू में जितने भी लोग रहते हैं उनकी वोटिंग की जाती है। इसीलिए ये फिगर एंड ऑफ द पोल पे आपको 1-2 घंटे के बाद ये फिगर कंक्लूसिव बन जाएगा, और हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे अवाम को हम शुक्रगुजार हैं
कि दैट वो आए, उन्होंने वोट किया और इस चीज़ को बताया कि दैट डेवलपमेंट के लिए वोट और इम्पॉर्टेंट कितना है, और ये आपके पास आप फिगर भी है एंड आवर टीम एंड पूरा मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सारे मीडिया फ्रेटर्निटी को भी मुबारकबाद देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्टिव रोल किया प्रोजेक्ट करने में कि दैट हमारे इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। सर, प्रीवियस इलेक्शन में देखा गया था कि 90 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पे जीरो वोटिंग हुई थी, क्या ऐसा इस बार देखा गया कोई वो पोलिंग बूथ ऐसा था जहाँ पे जीरो वोटिंग हुई है? नहीं, एज ऑफ नाउ जो हमारे पास डेटा है ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पर जीरो वोटिंग हुई है। सर, कुछ बेटर परफॉर्मिंग बूथ्स पोलिंग बूथ जो आज पहले वहाँ पर बहुत कम होते थे लेकिन आज बड़े पैमाने पर उनके बेटर परफॉर्मिंग? देखिए, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक डेटा विद रिस्पेक्ट टू द पोलिंग स्टेशन, बट फ्रॉम द मॉर्निंग वी हैव सीन, आप खुद भी फील्ड में रहे, किस तरीके से लंबी कतारों में मर्द हजरात और हमारे मस्तूरात है वो लाइन में लगे हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। मैं एक पोलिंग स्टेशन में, मैंने जड़ीबल के पोलिंग स्टेशन में गया, मैं हज़रतबल के पोलिंग स्टेशन में गया, लाल बाज़ार भी गया, तो इसमें जो हमारे शहर ख़ास में उसमें भी बड़ा फेस्टिव माहौल था। मैं इतना कह सकता हूँ कि दैट बड़ा ही इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने आज बड़ा फेस्टिव माहौल बनाया और इसको सक्सेसफुल बनाया। सर, छागापुरा से कंप्लेंट आई थी, वहाँ पर एक कैंडिडेट को अरेस्ट भी किया है, क्या उसका कॉग्निटिव कोई लिया गया है अभी तक? देखिए, इसमें जो एज़ पर लॉ जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती है वो सिक्योरिटी एजेंसीज देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से किया जाए, किस तरीके से ऐसी चीज़ें प्रेजेंट ना हो इन पोलिंग स्टेशन और अराउंड पोलिंग स्टेशन। कुछ गाइडलाइंस होती है ECI की, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसमें पुलिस जो है सिक्योरिटी एजेंसी से अपना एक्शन लेते हैं। मैं उस पर स्पेसिफिकली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस टाइम, तो ये एक प्रोसीजरल है, इसमें एज पर गाइडलाइंस हम चलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई कॉमन पर्सन हो। विद रिस्पेक्ट टू द 100 मीटर और 200 मीटर की जो गाइडलाइंस ECI की, उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो अगर उनको वायलेट किया जाता है तो उनमें फिर कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं इस इवेंट का, मैं जनरली आपको चीज़ आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।